for so long. इधर देखो इधर, ओए हाँ इधर 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 क्या हो रहा है? तो तुम भी थोड़ा काम वाम करो यार, देख रहे हो सामने ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा खासा बैठा के रुपए कमा रहे हैं, बैठे हुए बेरोजगारी पसंद है क्या? सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम महेंद्र एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर ब्लॉग एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस ब्लॉग इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम लेह लद्दाख. सो एनीवेज राइट नाउ आई एम इन हमदर नुब्रा वैली और इधर मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ. तकरीबन मुझे 5 महीने हो गए हैं लेह में रहते हुए और दिवाली भी क्लोज आ गया तो घर जाने का प्लान बनाया. 2 दिन बाद हमारा फ्लाइट है, बट उससे पहले क्योंकि हम नुब्रा वैली में हैं तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स ना जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो चलो मैं आपको सैंड ड्यून्स घुमाता हूँ. तो भाई हम लोग देखो सैंड ड्यून्स पहुँचने वाले हैं, ये इसका मेन गेट है और यहाँ से अभी करीब 500 मीटर दूर पैदल चलना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ. ये देखो आप व्यूज़ देखो बस. तो गाइस वेलकम टू सैंड ड्यून्स, फाइनली हम सैंड ड्यून्स तो पहुंच गए हैं और ये देखिए तो गाइस पीछे देख रहे हो क्या गजब का भीड़ है यार, मतलब अक्टूबर मंथ में इतना भीड़ अनएक्सपेक्टेड था. इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने लोकल से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि यार लास्ट ईयर ना ठंड इस टाइम पे अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा पड़ा था और जो आइस दिख रहा है ना केवल पीक्स पे दिख रहा है वो अच्छा खासा नीचे भी था. तो उसका रीज़न ये भी है कि मौसम अच्छा है तो अच्छा टूरिस्ट भी अच्छी नंबर्स में आ रहे हैं. तो गाइस देखो सामने हो रहा है कैमल राइड, ये हो रहा है कैमल राइड, ये यहाँ पे ऐसे जाएंगे और करीब 1 किलोमीटर तक का राउंड लगाते हैं और इस तरफ ये यहाँ पे हो रहा है आर्चरी. तो जाइए अपना निशाना लगाइए, मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर निशाना यहाँ पे लगाना होगा ना तो पक्का यहाँ पे लगेगा, तो मैं तो ट्राई नहीं करने वाला हूँ. और इसके जस्ट पीछे तरफ होता है एटीवी राइड, तो अगर आपको एटीवी का शौक है राइड करने का तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाइए और राइड कर सकते हैं. ओके तो गाइज मुझे लगा हल्का सा भूख तो मैं ये चॉकलेट फिनिश करता हूँ, जब तक आप ये सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए. एक प्रॉब्लम हो गया यार, फोन हो गया डिस्चार्ज और पावर बैंक भी नहीं लाया हूं. चलो कोई ना, इस छोटे से ब्लॉग को करता हूं यहीं पे एंड. आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तब तक ये टाटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल.